साहब, मैं रघुवीर सिंह राजावत कोडाया। हुकुम, आज हम बात करने जा रहे हैं एक वीरांगना के बारे में जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है पूरी दुनिया के लिए, जो उनको इतिहास में अमर कर गई है। हुकुम, मैं बात कर रहा हूँ महाराजा जसवंत सिंह जी जोधपुर और उनकी वीरांगना शतराणी हाडी रानी जसवंत दे के बारे में। हाडी रानी जसवंत दे बूंदी के महाराजा शत्रुसाल हाडा की पुत्री थी, बहुत ही अदम्य साहस वाली थी। हुकुम, इस किस्से में मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि महाराजा जसवंत सिंह जी के बारे में। महाराजा जसवंत सिंह जी अदम्य साहस के धनी थे। वो मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब, इनकी ओर से, मुगल सेना की ओर से उन्होंने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, सफल नेतृत्व रहे उनके कई, और उनके रहते उन्होंने कभी भी औरंगजेब को हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं करने दिया, चाहे वो मंदिर तोड़ना हो, चाहे वो जजिया कर लगाना हो। एक बहुत बड़ी बात होती हुकम कि जब दुश्मन, जब आपका एंटी पार्टी का कोई शख्स आपके बारे में एक कॉम्प्लीमेंट दे, आपके बारे में ये कहे, जैसे औरंगजेब ने 28 नवंबर 1678 को काबुल में महाराजा जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा था कि आज धर्म विरोध का द्वार टूट गया है। बहुत बड़ी बात होती है जब दुश्मन आपके बारे में ये कहे। तो किस्सा यूं हुआ कम कि शाहजहां जो 1657 के अंदर जब बीमार हो गए थे, तब उनके पुत्रों में सिंहासन प्राप्त करने के लिए विद्रोह होने लगा। तब शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेनापति कासिम शाह खां सहित जसवंत सिंह जी को भेजा, और उज्जैन से 15 मील दूर धनपत के मैदान में युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर औरंगजेब की अपनी कूटनीति, राजनीति, कुछ भी कहिए, उसके चलते सेनापति कासिम खां और 15 अन्य मुगल औरंगजेब से जा मिले। अचानक युद्ध की स्थिति बदल गई, और उस कंडीशन के अंदर एक ये भी हुआ कि मराठा भी वहां से भाग खड़े हुए। विजय का कोई नामो निशान नहीं था वहां पे, जो हो सकती थी इनकी, सबकी वीरगति तय थी। तब रतलाम नरेश रतन सिंह जी, जो उन्होंने जबरदस्ती महाराजा जसवंत सिंह जी को 600 राजपूत सैनिकों के साथ जबरदस्ती घायल अवस्था में घोड़े पर उनको सवार किया और खुद नायक नियुक्त हुए। उनको जोधपुर की तरफ रवाना करके वहां सारे राजपूत योद्धा ने वीरगति प्राप्त की। और जब किस्सा अब शुरू होता है, जब महाराजा जसवंत सिंह जी वापस जोधपुर पहुंचे, किलेदारों ने महारानी जसवंत दे को ये संदेश भिजवाया कि महाराजा साहब पहुंचे हैं और उनके स्वागत की तैयारी की जाए। महारानी अचानक नागिन की तरह फुफकारते हुए निकली वहां से और कहा कि किले के सारे द्वार बंद कर दो, क्योंकि जो शख्स हारकर जिंदा वापस आया है वो मेरे महाराज नहीं हो सकते। राजपूत युद्ध क्षेत्र से कभी हारकर जिंदा वापस नहीं आ सकता। तब कुछ लोगों ने समझाया कि ये महाराजा ही हैं और ये यहां पर सैन्य संसाधन जुटाने के लिए वापस आए हैं। तब भी महारानी का एक बार गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने राजमाता तक को यह कह दिया कि इससे अच्छा तो आप ना पुत्री होती, या फिर आपका पुत्र युद्ध क्षेत्र में शहीद हो गया होता, तो आज मेरा कुल भी गौरवान्वित होता और आपका राठौड़ कुल भी गौरवान्वित होता। लेकिन आपने, आपके पुत्र ने अपने राठौड़ वंश के साथ साथ मेरे हाडा वंश को भी कलंकित कर दिया है। आज एक शत्रानी, एक वीरांगना, जब अपने पति, जब हिंदू धर्म में खासतौर से होता है पति परमेश्वर, जब एक
औरत अपने हस्बैंड के बारे में ये कहे तो वो बहुत बड़ी बात होती है, मेरा शत शत नमन है ऐसी वीरांगना को। बाद में जब बाकी सब लोगों द्वारा समझाया गया, तब कहीं जाकर रानी ने किले के द्वार खोले, लोहपोल के द्वार खुलवाए। लेकिन यही बात यहीं खत्म नहीं होती। जब महाराजा साहब और बाकी को खाना परोसा गया, तो चांदी के बर्तनों में ना परोस कर उनको लकड़ी के बर्तनों में खाना परोसा गया। एक महाराजा को चांदी की बर्तनों की जगह लकड़ी में। और जब महाराजा ने इसका कारण पूछा, महाराजा जसवंत सिंह जी ने, कि क्या कारण है जो आज लकड़ी के बर्तनों में, तो महारानी के व्यंग्य रूपी वाण देखिए, महारानी ने कहा, महाराज कहीं आप चांदी के बर्तनों को के टकराने की आवाज को उसकी टंकार को तलवार की टंकार समझकर घबरा नहीं जाए, इसलिए आज मैंने लकड़ी में खाना परोसवाया है। लेकिन वीर महाराजा जसवंत सिंह जी को इस बात पर गुस्सा नहीं आया। अपनी रानी के आन बान रूपी व्यंग्य रूपी बाण सुनकर उनको एक गर्व महसूस हुआ। वही गर्व आज हम सब हिंदुस्तानी, हम सब उस रानी जसवंत दे के बारे में महसूस करते हैं। उनको एक बार फिर मेरा शत शत नमन, और आप सबको जय माता जी की सा।